वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप। मैं हूं आपका होस्ट संदीप डिडवाल। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो है एक ब्लूटूथ स्पीकर पे, जो कि FND कंपनी का है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है PA924। ये LED पार्टी लाइट्स के साथ में आता है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा इसके फीचर्स और इसका जो लुक है वो दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में लास्ट तक, सो दैट आप इस स्पीकर की इंफॉर्मेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं इसका एक बॉक्स की पैकिंग और उसके बाद में हम इसको अनबॉक्स करके देखेंगे। तो ये FND का ब्लूटूथ स्पीकर है विद LED पार्टी लाइट्स। आप देख सकते हैं बॉक्स पे ये मेंशनड है। ये मॉडल नंबर है PA924 और ये बहुत ही डिसेंट जो है स्पीकर है और इसमें आपको वायरलेस कनेक्टिविटी यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। एक्सबास यहाँ पे दिया गया है फीचर। और इसके अलावा अगर हम साइड में देख लें तो आप देख सकते हैं ये टॉप का आपको लुक्स दिखा रहा है, जो कि हम खोल के देखेंगे कि कैसा दिखता है। और इसमें हमें LED डिस्प्ले मिल जाती है, साथ में मिल जाता है मल्टी कलर LED, FM रेडियो भी इसमें है, रिचार्जेबल बैटरी है इसमें और कराओके की फैसिलिटी जो है, फीचर जो है वो भी अवेलेबल है। और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर रिमोट कंट्रोल। बात कर लें अगर इसके प्राइस की, तो आप यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो इसका MRP जो दिया गया है वो है अप्रॉक्सीमेटली 11,990 रुपीज़। यहाँ पे ये मेंशन्ड है, अगर आप देख पा रहे हो काफ़ी बारीक लिखा हुआ है। और ये एक कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर है और इसकी आउटपुट पावर RMS जो है वो 40 वॉट है। अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस वेट जो है वो 8.8 kg का ये स्पीकर है। डायमेंशन जो है वो आपके सामने दी गई है, वोल्टेज 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट जो है। और ये टू पीसीज ऑफ 5.25 इंच बास ड्राइवर फॉर सुपर बास परफॉर्मेंस उसके लिए दे गए हैं। बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी है। मल्टी कलर लाइट गो विद द म्यूजिक रिदम, यानी कि आपकी लाइट्स जो है वो रिदम के अकॉर्डिंगली जो है वो प्ले होंगी, यह कि अच्छा फीचर है। फुल फंक्शन रिमोट कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है और साथ में मिलता है आपको USB FM AUX ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है। ये 8GB स्पीकर लाइट्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी हैं, आप देख सकते हैं स्पीकर में। और टॉप पे आपको कंट्रोल पैनल मिलता है। अब हम LED डिस्प्ले देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सामने LED डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई दे रही है। बॉक्स खोल के हम देखेंगे स्पीकर कैसा दिखता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे आप टैबलेट होल्डर यानी कि ये टैबलेट भी रख सकते हैं यहाँ पे। और ये 4000 वॉट PMPO का बहुत ही पावरफुल स्पीकर है। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट कैसा लगता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है FND का 924 मॉडल। ये वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है और इसमें आपको जो है माइक मिल जाता है एक वायरलेस। और तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्पीकर है और यहां पे आपको LED डिस्प्ले मिल जाती है। और ये है आपका इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए एक डायल, और वो भी LED लाइट्स के साथ में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑन ऑफ स्विच और आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे बैक साइड में भी एक ऑन ऑफ स्विच है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। इसके अलावा आप यहाँ से सेटिंग प्रेस करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और आप साथ में यहाँ पे आप देखिए तो रिकॉर्डिंग एंड सोर्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर कुछ रिकॉर्ड करना हो इस स्पीकर में, जैसे कि आप P5 स्पीकर में कर सकते थे तो इसमें भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का आपको जो है वो स्विच पैनल मिल जाता है। यहाँ पे आप सॉन्ग को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको यहाँ पे बास का एक बटन मिल जाता है और यहाँ से आप जो है एलईडी लाइट्स का अगर आप कलर देख पाएं, तो मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ तो एलईडी लाइट्स का कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं आप यहाँ से इसी स्विच पैनल के बटन से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको माइक 1 एंड माइक 2 लगाने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं और ये आपका आ गया यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव लगाने का पोर्ट। तो ये आपके स्पीकर की कुछ लुक्स जो कि टॉप से दिख रही हैं। यकीन मानिए T5 के बाद में ये स्पीकर मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त लगा। वैसे भी F&D कंपनी के जितने भी स्पीकर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ में हैं और अगर आप देखें तो यहाँ पे आप टैब वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपको टैब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन या टैब रखना हो तो आप वो भी रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है, इसको हैंडी आप कर सकते हैं यानी कि आप इसको उठा सकते हैं यहाँ से और कहीं पर भी मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर दिस हैंडल। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। फ्रंट में बात कर लें अगर फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको एक मेश मिल जाती है, एक जाली मिल जाती है जो कि मेटालिक है और काफ़ी अच्छा जो है फील करवाती है। इसमें आपको सामने मिल जाती है F&D की बैजिंग और यहाँ पे आपको कुछ ट्विटर्स जो हैं वो मिल जाते हैं और यहाँ पे आपके दोनों जो हैं स्पीकर्स हैं जो कि LED लाइट्स के साथ में। ठीक है, अगर साइड से हम बात कर लें तो साइड से कुछ आपका स्पीकर यहाँ से ऐसा दिखता है। बॉडी की बात कर लें तो ये प्लास्टिक बॉडी मुझे लग रही है जो कि अच्छी फिनिशिंग के साथ में है, जो कि F&D कंपनी की क्वालिटी है। इस तरफ से भी हम देख लें तो यहाँ पे आपको मॉडल नंबर और 4000 वॉट PMPU का आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। PA924 4000 वॉट PMPU ब्लूटूथ और आपको सारे फीचर्स की जानकारी स्टिकर पे आपको मिल जाएगी। अगर हम बैक साइड की बात कर लें तो आप यहां पे देख सकते हैं ये बैक साइड में एक ऑन ऑफ स्विच है, ये पावर स्विच है। ठीक है, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ एक नया फीचर जो है पावर स्विच में आया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आपको बैटरी पावर पे स्पीकर को चलाना है तो आपको ये टॉप वाला स्विच जो है और ऑन की तरफ रखना पड़ेगा और अगर आपको AC पावर पे चलाना है तो आपको ये स्पीकर जो है AC पावर के ऊपर रखना पड़ेगा और अगर आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये सेंटर में आपका जो स्विच है ये ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा बढ़िया जो है फीचर लगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मिल जाता है एंटीना जिसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी लेंथ को थोड़ा ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी गुड अच्छा है। आप इससे FM की जो क्लैरिटी है वो देख सुन पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑडियो इनपुट का कनेक्टर्स, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी ऑडियो इनपुट्स की मिल जाएगी लेफ्ट एंड राइट के लिए और ये आ गया आपका पावर केबल के लिए पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप पावर केबल लगाएंगे जो कि आपके साथ में आती है। तो बैक साइड से एक लुक देख लेते हैं हम कैसी दिखती है। तो स्पीकर में हमें सबसे पहले ये मिल जाता है वायरलेस माइक जो कि काफ़ी अच्छा माइक है और इसमें आप जो है बैटरी जो है वो आप लगा सकते हैं, बड़ा इजी है। इसका बैटरी कंपार्टमेंट जो है वो आप देख सकते हैं, ये बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया है जिसमें आप ये दो साथ में आई हुई बैटरीज जो साथ में दी गई हैं वो लगा के आप अपना माइक जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको मिल जाती है एक ऑडियो केबल जिसको लगा के आप अपने मोबाइल या किसी भी डिवाइस को अपने लैपटॉप अपने स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं।
ये आ गई आपकी पावर केबल। पावर केबल भी काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में आती है, जो कि एक अच्छी बात है। आपका प्रोडक्ट जो है जितना ज्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो होती है। साथ में आपको मिल जाती है एक यूजर मैनुअल। ये यूजर मैनुअल को आप देख देख के स्पीकर को कैसे ऑपरेट करते हैं वो सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक रिमोट। रिमोट भी काफी अट्रैक्टिव है और सिंपल है, सिंपल टू यूज है। इसमें भी आपकी डबल बैटरीज डलती हैं ट्रिपल ए साइज, तो वो ट्रिपल ए साइज बैटरीज भी साथ में आती हैं। तो यानी कि आपको कुछ भी बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं इस स्पीकर की बात करूं तो स्पीकर मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। अब आइए हम इसको बजा के देख लेते हैं और कैसा लगता है वो देख लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये स्पीकर जो है इसी का एक फर्दर अपग्रेडेड वर्जन है PA926, जो कि FND कंपनी का ही स्पीकर है। मेरा अगला आने वाला वीडियो उसी स्पीकर के ऊपर होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और आपको साथ में बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस कर लें, सो दैट आपको मेरी आने वाली नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले मिले। वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज, मिलेंगे अगले नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अपने होस्ट संदीप ढडवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप फॉर ऑल द न्यू वीडियोज। Click on the bell icon so you get all the notifications.